हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो आपने थंबनेल टाइटल पढ़ लिया, वो ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसा आपने पढ़ लिया होगा कि फ्लावर हॉर्न ने एग ले किए हमारी, वो भी ऑरेंज वाली ने, जो अभी कुछ समय पहले ही हम लोग आए थे और उसने एग्स ले कर दिए। और हाँ, जो हमारी ये एक्वेरियम है यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें मेरे हिसाब से जैसे फ्लावर हॉर्न की कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि फ्लावर हॉर्न को कैसे चेक किया जाता है, कौन सा मेल कौन सा फीमेल। तो जो मैंने भी कुछ वीडियोस को चेकआउट किया था, तो बताते हैं कि फ्लावर हॉर्न को आप देख सकते हैं, जो 90% जो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके पंख पे एक डॉट होता है। तो जो हमारी ब्लैक कलर वाली जो आपने पुरानी वीडियोज में देखी है, उसमें डॉट है। और जो ऑरेंज वाली है, वो तो पैरट सिकलेट है, तो उसमें कोई डॉट वॉट नहीं है। और उसका साइज भी बहुत छोटा सा है, फिर भी उसने कम से कम मोर देन 1000 एग्स ले किए हैं। तो क्या अब ये फर्टाइल हो सकते हैं? क्या इसमें से बच्चे बाहर आएंगे? और आखिर कैसे इस मछली ने दिए? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मछली को मतलब अंडे देने के लिए मेल्स की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे डिवाइडर के साथ एक साइड मेल रखते हैं लोग, एक साइड फीमेल, तो फीमेल अपने आप एग ले कर देती है। पर लोग एक साथ रखते हैं तो कई बार फाइटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से डिवाइडर लगाना पड़ जाता है। तो अब चलिए हम लोग कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे आपको बच्चे दिख रहे होंगे। और ये फीमेल उनके आसपास से जो गंदगी है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि ये भी तो है अपने एक्वेरियम में, तो इसको भी अपने अंडों की तो टेंशन होगी ही कि कहीं ये वाली मछली इसके अंडों को हार्म ना करे। और हाँ, यहाँ पे कुछ अंडों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये एग आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ये देखे कलरिंग में, ये वाला एग जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइट है दूसरों से। और यहाँ पे इसने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं, देख सकते हैं बहुत सारे आसपास पत्थरों पे। और ये देखिए दोनों यहाँ फाइट करने में पता नहीं क्यों बिजी हैं। ये मछली बहुत लड़ती है इससे, ये तो वैसे थोड़ा कम लड़ती है, इस टाइम ये ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि ये इस टाइम प्रोटेक्टिंग मोड पे अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे इसने काफ़ी नीचे तक होल कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं इतना ऊँचा है नीचे से, और इसने कितना बड़ा होल कर डाला है यहाँ पे अपने अंडों को देने के लिए। और इसने अंडे दिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जैसा ये अपने बच्चों को मतलब अंडों को साफ़ करने में लगी हुई है, तो अगर इसमें से अंडे में से बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये वाली उनको पकड़ सकती है, क्योंकि जो ये आप डिवाइडर देख रहे हैं, इसके बीच में गैपिंग है। तो इन बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जब अगर निकलेंगे तो थोड़ा बहुत शायद हम लोग कर दें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा उसके यहाँ, जो फ्लावर हॉर्न ब्रीड कराना इतना टफ होता है। आप लोगों को कितनी वीडियोस में बताया जाता होगा कि खिलाइए फ्लावर हॉर्न को ये वो, इसको दवा दीजिए तो ब्रीड होगी, फर्टाइल नहीं है मछली आपकी, आपकी मछली पहले उसकी केयर अच्छी करिए, ये सब वो बहुत कुछ। और हाँ, ये एक बात बता देता हूँ, फ्लावर हॉर्न जो ये वाली थी, ये अपने बड़े साइज़ वाली फ्लावर हॉर्न के साथ रहती थी, और थोड़ा बहुत इसको जैसा ये देखिए लोग लड़ रही हैं, इसको उन लोगों ने काटा भी था थोड़ा सा जब ये आई थी, तो इसके हाथ में बहुत थोड़ा सा कटा हुआ था, और डर डर के रहती थी। जैसा आप देख रहे हैं अभी ये सब कुछ सजाने में लगी हुई है, अभी भी अपने बच्चों को यहाँ पे अपने अंडों को साफ सुथरे रख रही है, बार बार जाके वहाँ पे अपने अंडों में ऑक्सीजन ये पहुँचा रही है। और इसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इससे, पता नहीं क्यों ये बार बार आगे टक्कर मार रही है। और हाँ, एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसने भी थोड़ा गड्ढा किया है, पर वहाँ पे कुछ है नहीं, हो सकता है ये अंडों में से इसके बच्चे बाहर आ जाएं। और हाँ, जैसा मैं वो बात बता रहा था कि क्या क्या लोग आपको बताते होंगे, तो हम लोगों ने इसको मतलब एकदम एडवांस में कुछ भी नहीं दिया, एडवांस मतलब जैसे इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, ये दवा दो वो दवा दो, इसके और भी बहुत सारे इसके एनवायरनमेंट में ये डाल दो वो डाल दो, तो सब कुछ भी नहीं किया। एकदम कॉमन सा एक्वेरियम है हमारा भी, पत्थर है, एक ऑक्सीजन है,
और यहाँ पे बस डिवाइडर है इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए, बाकी कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने यहाँ पे। फिर भी इसने अंडे दे दिए, तो इससे आप लोग एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जो इतना सारा आप लोगों को बताया जाता है कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए तो होगा वरना नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी सच नहीं है। और ये देखिए ये अभी उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी हुई है। और हाँ, इस स्टेज में इसको खाना खिलाते रहना पड़ता है, मतलब 2 से 3 बार, मतलब बार बार का मतलब ये नहीं कि 1-1 घंटे में इसको खिलाओ, इसको जैसे 2 बार हम लोग फीड करते थे, 1 सुबह 1 शाम, तो इसको 1 बार और खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये जो एग्स ले गई है इनकी प्रोटेक्शन में, इनका ध्यान रखने में ये भी तो थक जाती होगी, तो इसको भी तो खाना चाहिए और इससे लड़ने में। तो ये थी वीडियो फ्लावर हॉर्न सिकलेड पैरट फिश की, जो इसने बहुत सारे एग ले किए हैं, ये आप लोगों को दिखाना चाहता था मैं, तो आप देख सकते हैं कितने सारे एग्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हाँ इसमें से अगर बच्चे बाहर आ गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा।